नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कब्ज को जड़ से ख़त्म करने का एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा जिससे जिद्दी से जिद्दी कब्ज और पुरानी से पुरानी कब्ज भी खत्म हो जाती है। आपका पेट सुबह ऐसे साफ होगा कि कोना कोना चकाचक हो जाएगा। दोस्तों, कब्ज से मतलब है कि मल त्याग ना होना, मल त्याग कम होना, मल में गांठे निकलना, लगातार पेट साफ ना होना, भोजन पचने के बाद पैदा मल पूर्ण रूप से साफ ना होना, मल त्यागने के बाद पेट हल्का और साफ ना होना आदि को कब्ज कहते हैं। कब्ज की बीमारी किसी भी उम्र में हो सकती है। यह छोटे से लेकर बड़े तक किसी को भी और कभी भी हो सकती है। कब्ज एक ऐसी समस्या है, अगर इससे छुटकारा नहीं पाया गया तो बहुत पेट में दर्द होता है, तकलीफ होती है और यह असहनीय भी हो जाता है। कब्ज का इलाज आज मैं आपको बताऊंगा कि कब्ज का इलाज कैसे करें। कब्ज एक आम समस्या बन गई है, यह हर व्यक्ति को परेशान करती है। जब किसी व्यक्ति का खाना पूरी तरह से पच नहीं पाता है तो उसे गैस की समस्या हो जाती है और गैस की समस्या होने पर ही कब्ज का होना संभव होता है। दोस्तों, कब्ज होने के कुछ कारण होते हैं, जैसे खान पान संबंधित गलत आदतें, समय पर भोजन ना करना, बासी और अधिक चिकनाई वाला भोजन, मैदा आदि से बनाया गया मांसाहारी भोजन, भोजन में फाइबर की कमी, अधिक भारी भोजन, शौच को रोकने की आदत, शारीरिक श्रम ना करना, विश्राम की कमी, मानसिक तनाव आदि कई कारण होते हैं। इन कारणों से कब्ज हो जाती है। कब्ज के कुछ और भी कारण होते हैं कि जैसा हमारे खाने का सही ढंग से ना पचना, खाना खाने के बाद बैठ जाना, हल्का ना टहलना आदि कारण हो सकते हैं। कब्ज को दूर करने के लिए मैं आपको कुछ उपाय बता रहा हूँ जिनको प्रयोग करके आप अपनी कब्ज को दूर कर सकते हैं। कब्ज और पेट संबंधी समस्याओं के लिए आपको क्या करना है, 1 किलो छोटी हरड़ लेकर उसे छाछ में भिगो दें। अब 24 घंटे बाद हरड़ को छाछ से निकालकर सुखा लें और पीसकर उसका पाउडर बना लें। शाम को सोते समय 4 ग्राम की मात्रा में मटके के पानी के साथ लें। ये कठिन से कठिन और पुरानी से पुरानी कब्ज तथा पेट के सभी रोगों के लिए सबसे उत्तम औषधि है। दोस्तों, अगर थोड़ी मेहनत और कर सके तो हरड़ के पाउडर को अरंडी के तेल में हल्का सा भून लें तो ये दुगना गुणकारी पाउडर तैयार हो जाएगा। जिनको ज्यादा कब्ज की समस्या रहती है वो तली हुई चीजें, गरिष्ठ भोजन ना लें, ज्यादा फाइबर वाली चीजें प्रयोग करें, इससे पेट की समस्याओं से हमेशा बचे रहेंगे। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कब्ज से बचने के लिए आपको कैसा खाना खाना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले दालों में मूंग और मसूर की दालें, सब्जियों में कम से कम मिर्च मसाले डालकर खाएं, भूख से 1 रोटी कम खाएं और सब तरह के फ्रूट्स खाएं, फलों का सेवन करें, दिन भर में 6 से 7 गिलास पानी अवश्य पिए, मूंग की दाल की खिचड़ी खाएं, फाइबर से बने चीजों का अधिक मात्रा में सेवन करें, इससे आपकी कब्ज की समस्या ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। ऐसे ही और हेल्थ के वीडियोस देखते रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।